Welcome class to our channel Kendrika Academy. Today our topic is taxation and law, which comes in a commerce subject for NTA UGC-NET. हमारा जो ये टॉपिक आता है वो सब्जेक्ट कॉमर में NTA UGC-NET में आता है. ये यूनिट हमारी रहेगी टैक्सेशन एंड लॉ की. आज हम समझेंगे कि कैसे हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करें. इसका एक क्वेश्चन जो है वो एश्योरिटी के साथ कॉमर्स सेक्शन यानी कि कॉमर्स सब्जेक्ट में आता है. तो ये एक क्वेश्चन हमारा एक मिनट में करने के लिए बहुत ही ईजी है. और दूसरी बात ये है कि इसको करने से हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. तो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू जल्द से जल्द टैक्सेशन की यूनिट में से जब भी कॉमर्स सब्जेक्ट में आएगी तो उसे कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं. जैसे कि हम लोगों ने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है. मान लीजिए, समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन में जब भी ये क्वेश्चन आता है कॉमर्स सेक्शन में तो इसमें कुछ चीज़ें दी रहती हैं. म्यूनसिपल वैल्यू दी रहती है 20,000 यहाँ पे दी हुई है. फिर नेक्स्ट दी है फेयर रेंट वैल्यू विच इज गिवन 28,000. नेक्स्ट हमारी दी है स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू 24,000 और एक्चुअल रेंट वैल्यू 30,000. ये चार चीजें आपको जब भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करनी होगी तो वो आपको पेपर में दे रखी होंगी. तो आपको ये समझना है कि हमें कैसे जल्द से जल्द आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू का पता चल जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है तो ये एक मिनट से कम में हो जाता है. तो आज समझते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करा जाए. क्वेश्चंस भी कई बार आ चुके हैं तो हम लोग आज समझते हैं इसको कैसे किया जाए. तो सबसे पहले जब भी आपको ये चार चीज दी होंगी तो आपको तीन क्राइटेरिया में डिवाइड कर लेना है क्वेश्चन को. तो पहला हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपको चेकआउट करना है कि म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू में कौन सा ग्रेटर है, यानी कि 20,000 और 28,000 में विच वन इज ग्रेटर, यानी कि एमबी और एफबी में आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है. जैसे ही आप देखेंगे कि इन दोनों में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है तो ग्रेटर वैल्यू है 28,000. यानी कि हमारा इस सेक्शन से सबसे पहले क्या लगेगा, पहले हम लोग कंपैरिजन करेंगे एमबी और एफबी का. तो एमबी और एफबी में सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमारी ग्रेटर है. तो पहले कौन सी हमारी यहाँ पे दिख रही है, साफ साफ 28,000 हमारी ग्रेटर वैल्यू है. नेक्स्ट हम लोग स्टेप पे जाएंगे, हम लोग कंपैरिजन कराएंगे कि जो सी सेक्शन आया है यानी कि ये जो हमारी ग्रेटर वैल्यू आई है उसमें से अब स्टैंडर्ड रेंट का कंपैरिजन कराएंगे. यानी कि जो हमारी ग्रेटर वैल्यू है 28,000 उसका हम लोग कंपैरिजन कराएंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ. तो इसमें चेकआउट करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे विच वन इज लोअर. यानी कि इन दोनों वैल्यू में से, यानी 28,000 और 24,000, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमारी लोअर है. तो यानी कि अब समझ में आ गया होगा आपको कि एमबी और एफबी में सबसे पहले चेकआउट करेंगे विच वन इज ग्रेटर, देन हम लोग डिसाइड करेंगे 28,000 आ गई है वैल्यू, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू, यानी स्टैंडर्ड रेंट और जो हमारी वैल्यू आई है ग्रेटर 28,000, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है. तो अब हमें पता चल जाएगा कि सेकेंड स्टेप में हम लोग को क्या पता करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू लोअर है. तो लोअर वैल्यू कौन सी है आपकी, 24,000. यानी कि नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी लोअर वैल्यू आ जाएगी. लोअर वैल्यू यानी कि अब आपका क्या हो जाएगा, स्टेप वन में क्या पहले आपको ग्रेटर चेक करना है, नेक्स्ट स्टेप टू में आपको चेक करना है स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन का कौन सा लोअर है. अब थर्ड स्टेप में आपको चेक करना है फिर से कि इसमें से जो वैल्यू आई है वो एक्चुअल रेंट से कंपैरिजन में ग्रेटर कौन सी वैल्यू है. यानी कि अब हमारी 24,000 वैल्यू के बाद हम लोग चेकआउट करेंगे कि एक्चुअल रेंट और 24,000 में से कौन सी वैल्यू आपकी ग्रेटर है. तो लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, 30,000. यानी कि यही हमारी जीएवी की वैल्यू होगी.
समझते हैं फिर से एक बार. जब भी हम लोगों को GAV यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच इज गिवन इन अ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में ये हमारा क्वेश्चन आता है टैक्सेशन एंड लॉ से, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले GAV निकालना होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. तो इसमें सबसे पहले चेक करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है. तो आपने देखा होगा म्युनिसिपल वैल्यू 20,000 दी गई है और आपकी फेयर रेंटल वैल्यू कितनी दी गई है 28,000. तो इन दिन पहले स्टेप में क्या करेंगे आप लोग, कंपैरिजन करेंगे एमबी और एफवी का. तो एमबी और एफवी में से ग्रेटर, तो ग्रेटर आपको दिख गया होगा 28,000. नेक्स्ट आप चेक करेंगे इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट से कराएंगे, यानी कि जो भी वैल्यू यहां पे 28,000 निकल के आई है उसका हम लोग कंपैरिजन 24,000 से कराएंगे, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट से. तो इन दोनों में जब कंपैरिजन कराएंगे तो विच वन इज लोअर, यानी कि लोअर वैल्यू को हम लोग टेकन कर लेंगे. तो इन दोनों में से लोअर वैल्यू कौन सी है, वो है आपकी 24,000. जैसे ही आप 24,000 निकाल लेंगे तो उसके बाद लास्ट कंपैरिजन हम लोग कराएंगे एक्चुअल रेंट से. तो एक्चुअल रेंट से जब भी आप कंपैरिजन कराएंगे तो इन दोनों में से फिर से हम लोग को देखना है ग्रेटर, यानी कि 24,000 हमारी लोअर वैल्यू थी सेकंड स्टेप में और उसका एक्चुअल रेंट के साथ आपने जैसे ही कंपैरिजन कराया तो इनमें से ग्रेटर आपको देखना है. तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 30,000, यही हमारी जीएवी वैल्यू भी होगी. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आपका एक मिनट के अंदर हो सकता है. इसको करने की ये शॉर्ट ट्रिक है. सबसे पहले क्या करें, याद रखिए एक नंबर की तरह फर्स्ट चेक करेंगे ग्रेटर लोअर ग्रेटर, ग्रेटर लोअर ग्रेटर, यानी कि पहले चेक करेंगे एमबी एफबी में ग्रेटर, फिर स्टैंडर्ड रेंट में लोअर और फिर स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट में ग्रेटर. तो इस तरीके से लास्ट में हमारी वैल्यू 30,000 जीएवी निकल के आ जाएगी. तो ये था हमारा आज का टॉपिक टैक्सेशन एंड लॉ पे. थैंक यू क्लास. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस पे लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं. क्लियर है? थैंक यू क्लास.